तो मैं फोटो दिखा दूंगी, तुम्हारे साथ ही खुद ही टूट जाएगी तुम, और मैं जाके कंप्लेन भी करूंगी फिर तुम्हारी कि तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे करने की कोशिश की। फोटो दिखाऊंगी बस। क्यों नहीं समझ रही? नहीं रहना मेरे को यार, तुमसे प्यार करती हूँ मैं, तुम्हें बोल रही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यार? रेप्टा जब लगेगा ना, मार के दिखा तेरे, मैं तो मार के दिखाना, तो मार के दिखाना चलना तू चीज। मैं तेरे को ये प्यार से समझा रही हूँ, हमारे पास भी इतने हैं। मैं जब तो बंद करवाओ यार। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग होंगे बढ़िया। और भाई, आज की वीडियो की स्टार्टिंग और टाइटल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, तो प्लीज़ भाई वीडियो को एंड तक देखना और अपना बेस्ट पार्ट भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता देना कि क्या अच्छा था क्या बुरा था। और भाई, इस वीडियो को सिर्फ पॉजिटिव वे में लेना है आप सभी को। और आप सभी को पता है कि भाई कोरोना की महामारी दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो भाई उस चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है अपने छोटे और बड़ों का। भाई मास्क का जितना ज़्यादा हो भाई उतना यूज़ करना। हम सिर्फ वीडियो के टाइम में ये सारी चीज़ों को अवेयर नहीं करते, उसके बाद हम अपना और अपनी टीम और घर वालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो भाई आपके भी फ़र्ज बनते हैं कि आप भी इस चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करो और अपने भाई को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। और भाई आज हमारे साथ रोशन भाई हैं, और रोशन भाई की क्या प्रॉब्लम निकल के सामने आई है वो आपको ये बताएंगे। बस मैं आपको एक मोटी बात बता देता हूँ कि भाई इनकी जो साली है उनको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे साथ शादी करो। अब पूरा मुद्दा क्या है वो आपको रोशन भाई बताएंगे। तो रोशन भाई एक बारी प्लीज़ भाई कैमरा लगा हुआ है बता दो भाई। हेलो, मेरा नाम रोशन है और मैं आज भाई से थोड़ा अपने रिलेशन को लेकर उनसे बात करने आया हूँ ताकि वो बता सके कि मैं क्या करूँ। रोशन भाई, मैंने जिनसे शादी की थी वो अपने चाचा जी के यहाँ रहती थी। अच्छा। मतलब उनके पेरेंट्स नहीं थे। अच्छा, मतलब मम्मी पापा मम्मी पापा उनके नहीं थे। ठीक है। और मैं था, उनकी शादी मुझसे हुई है। अच्छा। उनकी जो सिस्टर थी, उनकी सिस्टर मतलब हमारी रियल साली नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरी शादी जिनसे हुई है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि उनकी मेरी शादी टूटे। ठीक है। मेरे को उन्होंने उसी घर में एक कमरा दिया हुआ था। ठीक है। मेरी वाइफ किचन में काम कर रही थी। अच्छा, जब आप उनके घर गए थे? जी हाँ जी। अच्छा। जब मैं उनके घर गया। अच्छा। तो वो वाइफ मेरी किचन में काम कर रही थी और वो ऊपर से आई साली जी हमारी। अच्छा। वो आके सीधा मेरे को बेडरूम में ही आ गई वे। अच्छा, बिना नोक करे? हाँ, बिना नोक करे। अच्छा। और आकर उन्होंने मेरे को चुपचाप से हग कर लिया। अच्छा। और उन्होंने उस चीज को लेकर मेरे को फोटो भी क्लिक कर ली। अच्छा, मतलब आपने करी उन्होंने करी? उन्होंने। अच्छा। साली जी ने। तो अब ये बात मेरे को अच्छी नहीं लग रही, वो इस चीज़ को लेकर मेरे ब्लैकमेल कर रही है कि मैं उनसे शादी ना, उनसे शादी हो रखी है मैं उनसे भी करूं। उन्होंने मेरी शादी तोड़वाने की बहुत कोशिश करी है। अच्छा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी उनसे शादी टूटे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं। ओके, तो अभी आप क्या चाहते हो, मतलब क्या किया जाए? जैसे आपने बोला कि भाई मैं यहाँ पे 2 बजे आ जाऊँगा और साली को मैंने 3 बजे का टाइम दिया है कि डिस्कशन कर लें, तो 2:30 हो रखे, तो अभी आप चाहते क्या हो? क्योंकि थोड़े टाइम में आपकी साली यहाँ पे आ जाएगी, तो आप चाहते क्या हो कि क्या किया जाए और जैसे मतलब सबको पता लग जाए कि आपकी साली ख़राब है? मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए, मैंने उनको जैसे बुला रखा है यहाँ पे। ठीक है। आप आओ। ठीक है। एक वीडियो मतलब जो 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 आपको ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है, वो आप एक करो। ठीक है। तो भाई तो समझाओ इस चीज़ को लेकर। ठीक है भाई। तो भाई बात क्या है कि भाई के पास प्रूफ नहीं है, हग जो है कोई भी ऐसी कोई भी फोटो थी जो उसने क्लिक करी, ठीक है, तो अब उस चीज़ को लेके एक फ़ोटो को लेके ये उनको ब्लैकमेल कर रही है कि आप जहाँ पे आपकी शादी मतलब मेरी बहन के साथ हुई है उसके साथ साथ मेरे साथ भी अफेयर रखो या फिर शादी करो, जो कि चीज़ गलत है भाई। एक शादी के बाद बंदा साली के साथ कैसे ही मतलब कर सकता है, मतलब सोचने में ही नहीं अच्छा लग रहा। तो थोड़े टाइम में भाई वो यहाँ पे आएगी, जैसे उसके पास प्रूफ है झूठा, ठीक है, तो हम भी उसकी सच्चाई निकालते हैं कि वो ये सारी काम कर क्यों रही है। जैसे हमारे पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी वैसे हम उसको मतलब बता देंगे भाई देख कैमरा वैमरा रखा हुआ है, तेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। कल के दिन मान लो अगर वो कुछ ऐसा कुछ काम करती हुई तो अपने पास एक वीडियो रहेगी जो आप अपनी वाइफ को दिखाओगे जिससे आपका घर बच जाएगा। ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसकी अपनी साली का आने का इंतज़ार करते हैं। माइक में भाई को दे देता हूँ, वीडियो को आप सब देखना एंड तक और हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं ठीक हूँ, आप बताओ? बस बढ़िया, तुम बताओ? किस लिए बुलाया बताओ? बस वही उस चीज़ को लेकर जो तुम परेशान कर रही हो यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरे को, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। यार परेशान कहाँ कर रही हूँ मैं आपको, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको परेशान कर रही हूँ? मैं तो आपको बता ही रही हूँ, आपकी अपने दिल की फीलिंग ही तो बता रही हूँ मैं आपको, इसमें गलत क्या है बताओ? नहीं गलत नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा रिलेशन इस चीज़ को लेकर ख़राब हो।
तो मैं रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ आपको, मैं तो कह रही हूँ कि आप मेरे साथ भी रहो और उनके साथ भी रहो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या? मैं तो एग्री हूँ ना इस चीज़ के लिए। तो ऐसे अच्छा नहीं है ना कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूँ और उनके साथ भी रहूँ, तुम्हारी दीदी के साथ, और रिलेशन ख़राब होगा और इससे तुम्हें कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी और उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी। उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ भी अफेयर। मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ ना, आप ये भी तो समझो, मैं तो आपको कब से लाइक करती हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी प्रॉब्लम, आप बस अपनी अपनी कह रहे हो, इसलिए मैं आपको प्यार से ही समझा रही हूँ कब से, पर आप मान नहीं रहे हो, बताओ आप। नहीं मैं नहीं रह सकता, समझा करो, मैं तुम्हारी दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। क्यों नहीं रह सकते, क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे में बताओ तो। नहीं तुम क्यों नहीं रह सकते, देखो ऐसा टच मत करो, पर मैं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं, प्रॉब्लम क्या है फिर? मैं तुम्हारी दीदी को धोखा नहीं दे सकता। मैं धोखा देने के लिए कहां बोल रही हूं तुम्हें, मैं तो बोल रही हूं कि आप उनके साथ भी रहो मेरे साथ भी रहो, मैं तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चल सकता ना रिलेशन। क्यों नहीं चल सकता, आजकल सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं आपसे प्यार नहीं करती क्या, बताओ, मैं तो आपसे दीदी से भी ज्यादा आपको लाइक करती हूँ। लाइक करना और साथ रहना और प्यार करने में बहुत डिफरेंस है, इसलिए प्लीज अब मुझसे इस बात पे कोई बहस मत करो, ना मुझे तुम्हारे साथ रहना, मैं तुम्हारी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे रहना है आपके साथ में, अब बताओ, और मैं रह के ही रहूँगी। तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती ऐसे। कर सकती हूँ मैं, मुझे रहना है, मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं रहूँगी रहूँगी बस, नहीं तो मैं दीदी नहीं को बता दूँगी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया, हक वक किया मेरे को, और जो आपकी फ़ोटो है ना वो भी दिखा दूँगी मैं दीदी को, फिर आप खुद देख लेना, मुझे मत बोलना फिर। कौन सी फ़ोटो? उस दिन खींची थी मैंने फ़ोटो। देखो यार प्लीज़ ऐसा था ना, तब फ़ोटो खींची थी, प्यार से समझा रही हूँ, प्यार से मान लो बस, बात खत्म। देखो वो तुमने जो भी किया जबरदस्ती किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें लेके, इसलिए प्लीज तो मैं क्या हुआ जबरदस्ती किया, अपने प्यार को पहना कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, मैंने भी अपने प्यार के लिए किया। आप पर मैं नहीं करता तुमसे प्यार, मैं नहीं किया, मैंने नहीं किया, पर मैं करती हूं ना, मैं तो करती हूं। अब आप बताओ, मुझे तो रहना है और मैं छोड़ूंगी नहीं किसी भी कीमत पे आपको, इसलिए आप सोचो अगर तुम्हारी दीदी को पता चला तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, और मैं नहीं पता चाहता क्यों लगेगा आप, मैं ये थोड़ा ना बोले, अगर आप शादी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप रिलेशनशिप में रह लो। पर मैं नहीं रह सकता ना, उसे मुझ पे बहुत ट्रस्ट है और मैं नहीं तोड़ सकता उसका ट्रस्ट। यार आप समझ नहीं रहे हो, पर मुझे तो रहना है ना, मैं तो आपको लाइक करती हूँ ना, अब आप खुद सोचो, बचपन से लेके सिर्फ उन्हीं को प्यार मिला है, एक ही तो उम्मीद थी कि हाँ जिससे मेरी शादी हो कि वही मेरे से प्यार करो, और आपका रिश्ता मेरे लिए आया वो भी नहीं मिला मेरे को, तो बताओ मैं क्या करूँ, वो भी उन्हीं के पास चला गया, मैं तो कहीं की नहीं रही ना, अब मुझे बताओ बस, मुझे रहना है कैसे भी करके और मैं रहूँगी बस, नहीं तो मैं दीदी को बता दूँगी और फोटो दिखाऊँगी। देखो तुम मुझे ब्लैकमेल मत करो इस चीज़ को लेकर, फोटो को लेकर, तुम्हें जो चाहिए क्या, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे रहना है बस, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, प्यार से समझा लो तो प्यार से सुन लो, समझ में आ गई? देखो तुम ये बदतमीजी मत करो, ठीक है? बदतमीजी क्या, तब से प्यार से समझा रही तुम्हें समझ में आ ही नहीं रहा है, तुम खुद चाहते हो कि तुम्हारा पब्लिक सिटी हो या कुछ पता लगे दीदी वीदी को कुछ भी। मैं नहीं चाहता ना उसे पता लगे। तो कौन बता रहा है, मैं तो नहीं बता रही। तो मेरे को नहीं रहना ना तुम्हारे साथ। क्यों नहीं रहना, क्यों नहीं, मुझे नहीं रहना, नहीं मुझे नहीं रहना, मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोला ना मैंने, नहीं बोला ना कुछ भी, करो तुम मेरे साथ भी रहो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम नहीं चाहते हो नहीं तो मैं फोटो दिखा दूंगी, तुम्हारे साथ ही खुद ही टूट जाएगी, तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है, मुझे मत बोलना फिर, और मैं जाके कंप्लेन भी करूंगी फिर तुम्हारी कि तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे करने की कोशिश की, फोटो दिखाऊंगी बस, अब तुम खुद देख लो, प्यार से मान रहे हो तो मान जाओ, नहीं मान रहे हो तो फिर तुम खुद देख लेना, मैं दीदी को बोल दूंगी जाके कि तुमने मेरे से बदतमीजी कोशिश करी करने की, और फोटो भी दिखाऊंगी। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं समझना यार, मुझे समझना ही नहीं है बस, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, कब से समझा रही हूँ तुम्हें, प्यार से समझ जा, तुम समझ नहीं रहे हो यार। यार देखो ये सब बातें ठीक नहीं है, अपने ही दीदी के रिलेशन को खराब करना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ मुझे अपना प्यार दिखाई दे रहा, सही गलत मुझे कुछ नहीं पता, तब क्यों नहीं रहना पहले ये तो बताओ तुम। यार नहीं रहना ना मुझे, तुम क्यों नहीं समझ रहे, नहीं रहना मेरे को यार, तुमसे प्यार करती हूं मैं, तुम्हें बोल रही हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है,
मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ और उनके अलावा किसी के साथ नहीं रहना। मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना यार? यार नहीं करता मैं प्यार। फोटो दिखा दूंगी दीदी को, नहीं तो तुम देख लेना फिर तुम्हारी शादी। तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे घर दीदी का घर टूट जाएगा? कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सोचा मेरे बारे में एक बार भी? उन्होंने मेरे से पूछा? रिश्ता तो मेरे लिए आए थे ना, क्या आपने मेरे से पूछा? नहीं ना, मुझे कितना बुरा लगा होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। प्यार से समझाए तो समझ ले। समझ में आ रही? यार तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? क्यों नहीं समझ में आ रही? तुम्हें नहीं आ रही समझ में? मैं प्यार से बोल रही तुम्हें एक बार। बोलो जल्दी क्या करना है तुम्हें अब? मुझे ये बता। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे रहना है मगर समझ में नहीं आ रही ना तेरे को? तेरे को समझ में नहीं आ रही ना? मुझे नहीं रहना। नहीं क्यों नहीं रहना ये बताना। मैं तेरे से प्यार नहीं करती। मैं तो तेरे को बोल देना कि तू शादी मत कर मेरे से, ऐसे सिर्फ में रह ले। मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, तू दीदी के साथ भी रह, मेरे साथ भी ऐसे रह। अच्छा रहेगा रिलेशनशिप में साथ रहना? हाँ क्यों नहीं भाई, मेरे को तो रहना है तो रहना किसी भी कीमत। मैं नहीं रह पाऊंगा। क्यों नहीं रह पाओगे? और मैं रह के रहूंगी? नहीं रह सकते। तुम जबरदस्ती का रिलेशन नहीं बना सकते। बनाऊंगी भाई मैं, अब तुम खुद देख लेना कि तुम्हें क्या करना है। नहीं तो मैं फोटो दीदी को दिखा दूंगी आज ही जाके। तुम खुद बताना फिर कि क्या करा तुमने मेरे साथ में, क्या नहीं। ठीक है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना मेरे को। मुझे रहना है। नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? नहीं है पसंद तुम मेरे को। क्यों नहीं पसंद हो यार? शांति रख ले भाई, होगी बातचीत होगी। कौन है भाई आप? बातचीत होगी जो हमें करनी थी। जी भाई ठीक है भाई। हाँ चिल्लम चिल्लाई क्यों कर रही है यहाँ पे? आप कौन? चिल्लम चिल्लाई क्यों कर रही है? तू कौन है ये बता पहले। चिल्लम चिल्लाई मत कर। मेरी मर्जी, मैं चिल्लाऊं नहीं। चलो हम दोनों की बात हो रही थी ना, चिल्लाने लग गया ना। क्यों चिल्लाएगा तू? होता कौन है चिल्लाने वाला ये बता। तू यहाँ पे क्या हरकतें कर रही है पार्क में? तेरे को मेरी मर्जी। मर्जी है कुछ भी करेगी? हाँ कुछ भी करूंगी। मेरी लाइफ मेरी मर्जी, कैसे भी चिल्लाऊं कैसे भी बात करूं। तू कौन होता है? ये लगता कौन? जीजा है मेरा। बोल जीजा है तो बेंचो जीजा के साथ कोई अफेयर रखता है? क्यों नहीं रखता है? प्यार करती हूं मैं उससे यार। रेपटा जब लगेगा ना मार के दिखाते रे। मैं तो समझ में आ गई, तेरे डरने वाली नहीं हूँ मैं। और तू इसको लेके आया था? हाँ तो लेके आया था, क्या करेगी? बोलना लेके आया था इसको। नीचे कर ले, हाथ ज्यादा उठा मत। मैंने हाथ उठा भाई ऐसे ही करके मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कुछ नहीं कर सकता। जब से शादी हुई है जब से हमें बहुत मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही है। क्यों कर रही है ब्लैकमेल? मेरी मर्जी, प्यार करती हूँ भाई से मैं। देखो तो पहले भाई मत बोल, तेरी जैसी लड़की के साथ मैं बात ना करूं तो भाई बोल रही है। अबे चलना, तेरे जैसे तो कितने घूमते हैं मेरे आगे पीछे। क्यों निकल जाओ? मैं तू बात करके दिखा, हाथ लगा के दिखा, तेरे को मान जाऊंगा। तो समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही। चल निकल, तू निकल यहां से। चल चल निकल पीछे। पहले निकल, हाथ मत लगा तू पहले। तू जानता नहीं है मुझे कौन है। मत लगा, चल निकल। तू जानता नहीं है मुझे कौन है। कोई बात नहीं, तेरे को देख लो। नहीं चल रहा वो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जा रहा? पीछे हो जाना। नहीं जाना। इसलिए लेके आए थे कि तू इसको चेप क्यों हो रही है? चेप इसलिए लेके आए थे कि तू चेप क्यों हो रही है? चुप रह तू यार, चुप हो जा। समझ में आई? बहुत देर हो गई बोलते हो। मैं बोलूं? मैं भी दूंगा क्या? बोलेगा तू? मैं भी दूंगा गाली। तेरे को देने का कोई फायदा तो है नहीं। क्या बोलेगा तू? ऊपर से नीचे गाली गाली तो लग रही। क्या बोलेगा तू? तू कौन है? मेरे सामने कुछ नहीं है। सुन ले मेरी बात। सुन मैं कुछ नहीं है। सुनेगी एक बार मेरी बात? सुन बोल। वो चीजें देखी है? मतलब तूने तेरे फोन में कैमरा है? अच्छा तूने फोटो क्लिक करी है? हां तो फोटो से तू इसको ब्लैकमेल कर रही है? तो एक चीज मैं तेरे को ये प्यार से समझा रही हूं। वो देख हमारे पास भी इतने यार, ये लगा हुआ माइक। मैं तो इसको बंद करवाओ यार, बंद करवाओ इसको। देख बोल, दे गालियां दे, गालियां दे पहले। नहीं नहीं पहले गालियां दे। क्या गालियां दे रही थी? गालियां दे। नहीं करवा रहे? नौकर हम तेरे, नौकर हम तेरे, नौकर हम तेरे। इसीलिए ये सब लगाया है। मेरी बात सुन ले प्यार से। मैं अभी चिल्लाएगी ना देख, अभी लाइव करवा दूंगा। अभी सिर्फ रिकॉर्ड चल रहा है। पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन ले। क्यों ब्लैकमेल कर रही है? प्यार करती हूं मैं इससे। तेरे को पता नहीं है तेरी बहन के साथ शादी हो रखी है? तो पहले मेरे साथ होने वाले थी ना, अब नहीं हुई ना, अब नहीं हुई ना, तो उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्यों इसका घर बर्बाद कर रही है? तेरे को शर्म नहीं आ रही? बर्बाद क्या कर रही यार, प्यार करती हूँ मैं इसे, समझा रही हूँ। शादी का मतलब क्या होता है? तेरा पति किसी और लड़की के साथ मुंह मारेगा तो तू उसको छोड़ेगी मारने के लिए? अक्कल कहाँ गई है तेरी? ज्यादा प्यार में पागल हो गई है क्या? हाँ यार पागल हो गई। पागल तो थोड़ा कम पागल हो जा। ये कैमरे के सामने इतना भोली वाली मन बन, तेरे मैंने असली रूप देख लिया। पहले बंद करवा दे यार इसको। तेरे समझ नहीं आ रही? बंद करवा इसको। नहीं कर रहे हम। क्यों नहीं कर रहे भाई? तेरे पास ये वीडियो होगी, कल के दिन तेरे को कोई धमकी वमकी देना के बहन को फोटो दिखा दूंगी, ये कर दूंगी, तेरे को लिंक दे दूंगा, तो अपनी बहन को दिखा, मतलब अपनी वाइफ को दिखा दियो, तो देख के कैसे करती है ब्लैकमेल नहीं करती। समझ आ गई तेरे? कोई बात नहीं, अब जाओ जो करना है करो। नहीं कर रहे बंद, नहीं कर रहे बंद, नहीं करेंगे भाई। मत बोल नहीं करेंगे। तू भी फोटो डिलीट कर। तू बोल फोटो डिलीट कर ले। फोटो कर लूं मैं? फोटो डिलीट अभी नहीं कर रहे, चलने दे भाई, चलने दे यार। प्यार करती हूं मैं उससे। फोटो डिलीट कर, फिर प्यार करियो। पहले फोटो डिलीट कर यार, इसलिए लेके आ गई क्या तू? देख बोलती रहे,
चल भाई हम चलते हैं। भाई इसी पे रख लियो कैमरा। अच्छा, कर पहले फोटो डिलीट। नहीं पहले फोटो कोई बात नहीं करनी, पहले फोटो डिलीट कर। ठीक है, कोई बात ही नहीं करनी। फोन खोल, फोटो डिलीट कर। उसके साथ उसके बाद बकचोदियां कर जो करनी है। कर दी मैंने। दिखा पहले गैलरी का पासवर्ड खोल। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है, ऐसे हो गया नीट क्लियर। पकड़ फोन, निकल यहाँ से, निकल जा, पीछे मुड़ के मत देखियो। और अपनी बहन को, जो अपनी वाइफ है तेरी, उसको फोटो वीडियो भेज दियो अपने चुड़ैल बहन की, बता दियो उसको क्या हरकत है इसकी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, इनको पता तो लगना चाहिए कि भाई बहन जो जो चीज़ें गलत है ना भाई, उस पर तो हम सोच भी नहीं सकते और लोग करके जाते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि भाई हर एक जगह पे ऐसा होता है, बट कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसकी वजह से सबका नाम ख़राब हो जाता है। तो जहाँ पे भी हो रहो भाई, बच के रहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हैं भाई माहौल में। जितना भी कम करोगे उतना कम नहीं होंगी, समझ रहे हो। तो अपना ध्यान खुद ही रखना, और कोरोना के टाइम में अपना ध्यान भी खुद रखना। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉगिंग चैनल भी हमारी एक्टिव हो चुकी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके प्यार दे सकते हो वहाँ पर भी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।